ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਕੇਵਾਂ ਇੱਕਦਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਪੁਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। कौन सी क्लास में है, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? ठीक है, आपके पापा का नाम, आपके मम्मा का नाम? ठीक है, थैंक यू बेटा, ओके। ये नकोदर तो है जी, हर्षदा त्रिखा। अच्छा जी, तो इन्होंने गलबात की चौथी क्लास की स्टूडेंट है, तो इन्होंने पूछा गया भी तुम क्यों आए हैं, वो कहते जो इतने धुप च खड़ते हो, बरसात हो रही है, कोरोना वायरस आ, तो मेरे मन च इच्छा से भी जरूर तुम्हें एप्रीशिएट किया जाए, ताकि हौसला अफजाई की जाए जी। ठीक है जी, जो तो छोटे छोटे बच्चे साडा उत्साह बढ़ाने आते हैं तो बड़ा मन एक सुकून जहा मिलता वा, जिते साडे अफसर साहबान साडे लई हर चीज़ मुहैया करके देंदे ने, उहदे नाल पब्लिक जो साडा साथ दिंदी आ तो साडा बड़ा मन खुश हुंदा आ, तो पब्लिक साडे नाल साथ आ, तो करोना जंग जितनी साडे लई कोई औखी नहीं आ, तो मैं इस करके बच्ची नूं थैंक यू करदा जी, बहुत मेहरबानी बेटे। जिन्हें अच्छी पब्लिक जी पुलिस ने साथ नहीं दिता ज प्रशासन का साथ नहीं दिता, वो जंग नहीं दिती गई, तो जो इदा छोटे बच्चे जोड़े इस जंग के साडे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़ते हैं, तो सानू उम्मीद बन जाती है कि असी ये जंग जरूर जल्दी तो जल्दी जीत के तो लोगों को जोड़ा मेल मिलाप लिए सड़क पर लियाने लिए जरा ये साथ निभावे जी। हौसला अफजाई वास्ते जिहड़ा इन्होंने सानू फलावर दिता, तो असं एप्रीशिएट करते हैं कि बच्चा जिहड़ा परमात्मा इन्हां दे हमेशा ही मेहर भरिया हथ रखे। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।